ये पेपर है हाफ ईयरली का है, लास्ट ईयर का पाली का है, इसको मैंने सॉल्व किया है पूरा। ये पेपर है कंप्लीट, आप देख सकते हो, इसका मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और पहले आप इसे सॉल्व करना अपने तरीके से, पहले सॉल्व करना अपनी कॉपी में, रफ में ट्राई करना ये सारे क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ, आप चाहो फोटो भी ले सकते हो। सत्रहवा क्वेश्चन, अठारहवा हो जाएगा आपके, उन्नीसवा, ये तो बोर्ड एग्जाम में भी आया था अभी, राजस्थान बोर्ड में। फिर बीसवा में आपको एक कोण ज्ञात करने हैं, इक्कीसवें में आपको चारों कोण ज्ञात करने हैं, बाईसवा में चित्र बनाना है, डायग्राम बनाना है, और तेईसवा भी आपके 15.1 का क्वेश्चन है, चौबीसवा भी 15.1 का ही है। ये ताश का है, आपके प्रायिकता का है, इसका ग्राफ बनाना है 26 का, 27 में दो दे रखे हैं, दोनों में से कोई एक करना है, मैंने दोनों ही किए हुए हैं वो बता दूंगा मैं आप। ये 29वां है और ये 30वां है, इसमें आपको मीडियन ज्ञात करना है। अब बताते हैं इसका उत्तर। ये पहले का उत्तर इधर हो जाएगा, इक्का तिक्के से गुणा करना, दूसरा माइनस करना, ये अलग अलग कर रहे हैं ना, बड़े बड़े ऐसे लिखे हुए हैं, तो उसके हिसाब से तीसरा, चौथे का उत्तर, ये पाँच का उत्तर, ये छठे का उत्तर, ये सातवें का उत्तर है, ये आठवें का है, ये नौवां है, दसवां, ग्यारहवां क्या है कि आपके आउट ऑफ कोर्स कर दिया, मतलब अब स्क्वायर रूट आपके नहीं आएगा। ये बारहवां क्वेश्चन है, ये तेरहवां है, ये चौदहवां है, ये पंद्रहवें का उत्तर है, ये आपके सोलहवां है, इसमें आपको क्या ज्ञात करना है, ये यहाँ बताता हूँ मैं, ये पूरा सोलहवां है, ये सत्रहवां है आपका, 51-17 आ रहा है, फिर ये अठारहवां है, ये 19वां है, 19वें में वो ज्ञात करना, सिद्ध करना था हमें। आप पीडीएफ लिंक ले लेना डिस्क्रिप्शन में। ये 20वां क्वेश्चन है, 20वें का उत्तर है, दोनों कोण मैंने ज्ञात कर लिए, ये 21वें के तीनों कोण ज्ञात किए मैंने, पहले एक समीकरण बनेगा, फिर दूसरा समीकरण बनेगा, फिर दोनों समीकरणों को हल करेंगे तो ये आएगा 25 और 40 आ गया, फिर हम ये ABCD ज्ञात कर लेंगे चारों एक कोण। फिर ये 22वां क्वेश्चन है, चित्र बना अंदर बनाएंगे, अंत्यवर्त बनाना हो तो क्या करेंगे, कोण का आधा करेंगे, फिर ये वर्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर ऐसे दे रखा है उसका सॉल्यूशन करेंगे तो ये आएगा। फिर वो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात देर का है, तो पहले हम भुजा ज्ञात कर लेंगे, भुजा ज्ञात करने के बाद सभी को 3 से गुणा कर लेंगे तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भी आ जाएगी। अगला है अभी आपके ताश का प्रायिकता का है, बताया हुआ दो गुलाम होते हैं जो रेड कलर के होते हैं, और ये जो है ना ये वाला पत्ता, इसके उसे बोलते हैं स्पेड, मतलब काले रंग का पत्ता। फिर आपके ये दे रखा है क्वेश्चन ग्राफ का, इसका अलग बनाना है, इसका अलग बनाना है, सॉल्व करना है, फिर आपको इसका ग्राफ बनाना है, उत्तर हो जाएगा 1 और -2। नेचर पूछा है, नेचर मतलब बताना है ये यूनिक सॉल्यूशन, ये क्या है यूनिक सॉल्यूशन, वैसे और भी दे रखे हैं नाम लेकिन मैंने यही बताया यूनिक सॉल्यूशन। फिर ये टेंटा साइंटा कोस्टा का सवाल हो जाएगा, इसका दूसरा पार्ट हो जाएगा सिद्ध करने का। फिर ये 28वां क्वेश्चन है, दोनों का आपको भुजाएं ज्ञात करनी, पी भी ज्ञात करना है और क्यू भी ज्ञात करना है, अनुपात चेंज हो जाएगा। फिर अभी 29वां क्वेश्चन है, ये दे रखा है, उसको पहले हम रचना करेंगे, रचना करने के बाद हम सिद्ध करेंगे, फिर ये समीकरण नंबर 1 और 2 लेकर इधर हम AO/BU ऐसे कुछ करेंगे। फिर ये मीडियन ज्ञात करना है, सिंपल है, पहले छोटा एम ज्ञात करना है, फिर आप बड़ा एम ज्ञात करना, सूत्र लगाकर सॉल्व करना, ये उत्तर आएगा। पहले अपने मन से मिलाना पिछले वाला क्वेश्चन और फिर आप ये वाला ट्राई करना, कोई डाउट है तो बोल सकते हो, कमेंट कर देना कुछ प्रॉब्लम हो तो, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, पूरी PDF आपको मिल जाएगी। धन्यवाद।